नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए बहुत चुनिंदा चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो आज जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक भारतीय दवा है, प्लांट किंगडम की दवा है। ये एक ऐसे पौधे से बनाई जाती है जो भारत के हर गांव-गांव में पाया जाता है। इस पौधे का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये है पौधा। क्या आप इसे जानते हैं? ये पौधा आपके गांव में, आपके शहर में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे पर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और जब हम इसे तोड़ते हैं तो इसमें से दूध के जैसा पदार्थ भी निकलता है। इस पौधे को कई नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे मदार का पौधा कहते हैं, कई जगह इसे आक कहते हैं और हमारे यहाँ तो इसे आखा बोला जाता है। दोस्तों, इस पौधे की धार्मिक मान्यता भी है। हिंदू धर्म में इस पौधे के पत्तों से पूजा भी की जाती है। तो आज मैं आपको इसी पौधे से बनी हुई एक होम्योपैथिक दवाई की जानकारी दूंगा। दवाई का नाम है कैलोट्रोपिस और ये बहुत ही जबरदस्त दवा है। दोस्तों, वैसे तो कैलोट्रोपिस होम्योपैथिक दवा के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी बीमारियां बताऊंगा जिसमें कैलोट्रोपिस दवाई बहुत ज़्यादा असरकारक है। तो चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, ये जो कैलोट्रोपिस होम्योपैथिक दवाई है, ये आक के पौधे के जड़ से बनाई जाती है, इसके पत्तों से बनाई जाती है और इसमें से जो दूध निकलता है, सफ़ेद रंग का जो पदार्थ निकलता है, उससे भी ये दवाई बनाई जाती है। दोस्तों, ये जो कैलोट्रोपिस दवाई है, ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि ये टॉक्सिस नेचर की होती है, यानी कि इसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसकी केवल पांच पांच बूंदे सुबह शाम थोड़े पानी में मिलाकर लें। 4 से 5 दिन लेने से अगर आपको आराम महसूस होता है तो आप किसी चिकित्सक की देखरेख में इस दवाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं वे पांच बीमारियां जिसमें यह दवाई गजब का काम करती है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है जोड़ों में दर्द और सूजन में। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में जब किसी को दर्द हो जाता था तो आक के पौधे के पत्तों को थोड़ा तवे पे गर्म करके जोड़ों पर बांध दिया जाता था और जोड़ों की सूजन और दर्द में काफी आराम मिलता था। दोस्तों, जब इस आक के पौधे पर रिसर्च हुआ तो देखा गया कि इसमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज है। अगर किसी व्यक्ति के जोड़ पर सूजन आ गई है, चाहे वो कंधे का जोड़ है, चाहे वो एल्बो का जोड़ है या घुटने का जोड़ है, जोड़ अकड़ गया है, जोड़ पर मूवमेंट करते समय काफी दर्द होता है और जोड़ पर सूजन आ गई है, ऐसे लक्षणों में ये दवाई सूजन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है। ये सूजन को तो कम करती ही है, उसके साथ साथ में जोड़ से दर्द को भी कम करती है। क्योंकि दोस्तों, कैलोट्रोपिस वात रोग की एक बहुत अच्छी दवा है। तो अगर वात के बढ़ जाने से आपके जोड़ों में दर्द हो गया है, जोड़ों में सूजन आ गई है, तो उसे ठीक करने के लिए कैलोट्रोपिस का प्रयोग किया जाता है। कैलोट्रोपिस का दूसरा प्रयोग, दोस्तों, ये दमे के रोगियों की एक बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी व्यक्ति को पुराना दमे की समस्या है, दमे के अटैक आते हैं, तो जब व्यक्ति को दमे का अटैक आ रहा हो उस समय अगर 5 बूंदे कैलोट्रोपिस की थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के उस व्यक्ति को पिला दें तो ये अटैक को तुरंत शांत कर देती है। तो इस तरह से कैलोट्रोपिस हमारे फेफड़ों पर बहुत अच्छा असर करती है। अगर फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ बन गया है, सांस लेने में समस्या हो रही है, दमे जैसे लक्षण प्रकट हो गए हैं, तो कैलोट्रोपिस लेने से ये फेफड़ों पर बहुत अच्छा असर करती है। कैलोट्रोपिस का प्रयोग नमूनिया में भी किया जाता है। अगर आपके फेफड़ों में कफ जम गया है तो कैलोट्रोपिस के प्रयोग से कफ ढीला होकर बाहर निकल जाता है। कैलोट्रोपिस का तीसरा प्रयोग, दोस्तों, ये मोटापे को कम करने की एक बहुत अच्छी दवा है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि आपके शरीर में मांसपेशियां तो कम है लेकिन जो आपके शरीर में वाटर है, जो पानी है, उसकी मात्रा ज्यादा है, आपका शरीर फूला हुआ है, तो कैलोट्रोपिस का प्रयोग जब आप करेंगे तो शरीर से पानी की मात्रा कम होगी। कैलोट्रोपिस की एक खास बात है, ये मांसपेशियों को कम नहीं करता है, केवल शरीर में जो पानी इकट्ठा हो गया है कैलोट्रोपिस उसको बाहर निकाल देता है। कैलोट्रोपिस का प्रयोग करने से मांसपेशियां कड़ी होती हैं, मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं और जो शरीर में अतिरिक्त वजन है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो कैलोट्रोपिस को फाइटोलेका बेरी के साथ साथ अगर आप लेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। कैलोट्रोपिस का चौथा प्रयोग, दोस्तों, ये पुराने जख्म और नासूर की भी एक बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी के शरीर में पुराने जख्म हैं, अक्सर पैरों में पुराने जख्म होते हैं जिन्हें हम नासूर बोलते हैं,
कुछ व्यक्तियों के पैर के तलवों के जख्म ठीक नहीं होते, बहुत लंबे समय तक दवाई खाते हैं लेकिन जख्म बने रहते हैं। इस प्रकार के पुराने जख्मों को ठीक करने के लिए कैलोट्रोपिस का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा असरकारक साबित होती है। दवाई लेने का तरीका मैं एक बार फिर से आपको वीडियो के अंत में समझाऊंगा। अब समझ लेते हैं कैलोट्रोपिस का पांचवा प्रयोग। दोस्तों, ये सिफिलिस की एक बहुत अच्छी दवा है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलती है। सिफिलिस को आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। सिफिलिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यानी कि यह कभी भी जड़ से ठीक नहीं होती। एंटीबायोटिक दवाइयों से केवल इस बीमारी को दबाया जा सकता है, लेकिन कैलोट्रोपिस होम्योपैथिक मेडिसिन का सिफिलिस में बहुत अच्छा काम है। अगर सिफिलिस का रोगी इसे लेता है तो लगभग 1 महीने के प्रयोग से ये सिफिलिस को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखता है। तो अगर किसी को सिफिलिस है और वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में पोटेंसी को चूज करके इस दवाई का सेवन करता है तो सिफिलिस में उसे 100% आराम मिलेगा। दोस्तों, इन पांच बीमारियों के अलावा कैलोट्रोपिस का प्रयोग कोड की बीमारी में भी किया जाता है। अगर पूरे शरीर में कोड फैल गया है, फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो कैलोट्रोपिस का प्रयोग ऐसे में किया जाता है और ये बहुत अच्छा असर देती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है हाथी पांव, जिसमें पैर सूज कर मोटा हो जाता है, तो इस बीमारी में भी कैलोट्रोपिस का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं आपको इसके प्रयोग का तरीका बता देता हूँ। इसको कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसकी केवल 5 बूंदें थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के दिन में 2 बार पीना होता है। आप इसकी 4 से 5 बूंदें सुबह शाम ले सकते हैं। 2 से 3 दिन लेने के बाद अगर आपको आराम महसूस हो रहा है तो आगे इसे कंटिन्यू करने के लिए, इसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक भारतीय मेडिसिन कैलोट्रोपिस की जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अंत में ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।